क्वेश्चन ऑफ मास, या जिसको हम उर्फ आम में कंटिन्यूटी इक्वेशन का नाम भी देते हैं, वो क्या चीज़ होती है। तो अगर हमें टाइम में चल रही तो हम चीज़ सारे टॉपिक्स को हम की कवरेज करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँ, पिछली दफ़ा हमने एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था, थोड़ा सा उसको इन डेप्थ देखा भी था, सब्सटेंशियल डेरिवेटिव। क्या चीज़ होती है सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, अगर मैं आप लोगों से जनरल जनरल पूछूँ डिस्कशन के तौर पे। क्योंकि मुझे काशान टाइम का और नाम, स्पेस में, जी, टाइम और स्पेस में वेरिएशन होती है किसी प्रॉपर्टी की। बिल्कुल। और ये किन दो डोमेन्स को, किन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपस में इक्वेट कर रही होती है। हिल्बर्टियन और लैग्रेंजियन में तो नहीं है? बिल्कुल उसी में है, डेफिनेटली उसमें ही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है ये लैग्रेंजियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट साइड आपके पास यूलेरियन को रिप्रेजेंट करता है। यूलेरियन के अंदर हमारे पास जो टाइम की वेरिएशन है ये शो कर रही होती है लोकल डेरिवेटिव को, कि आपके पास लोकली टाइम की वेरिएशन है या नहीं है सिस्टम के अंदर। जैसा हमने केमिकल की एग्जाम्पल दी थी, अगर आप एक प्रोब इंसर्ट कर दें किसी जगह पे फिक्स पोजीशन पे, अगर वहाँ पे केमिकल की अप एंड डाउन होना शुरू हो तो वो लोकल वेरिएशन हो रही होगी टाइम की यहाँ से। इसी तरीके से स्पेस की वेरिएशन क्या है, आपके पास कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम टेम्परेचर मैयर करते हैं, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे ही हम माइक्रोस्कोपिक यानी कि जूम इन करते जाएँ इस्लामाबाद के, विद इन इस्लामाबाद हम देखते जाएँ तो ISTM और रवात के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा। हम कंसिडर करेंगे अगर टेम्परेचर की वजह से कोई ग्रेडियंट नहीं पाया जाता, तो ये बेसिकली कन्वेक्टिव डेरिवेटिव इस चीज़ को शो कर रहा होता है। लेकिन मैं अगर यहाँ से जाऊँ और चकवाल की तरफ जाऊँ, ISTM और चकवाल में टेम्परेचर का फ़र्क भी होगा, स्पेस की वेरिएशन भी आ रही है और टाइम की वेरिएशन भी आ रही है, तो सब्सटेंशियल डेरिवेटिव इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम का। ये हमारे पास तीन वर्ड है, तीनों को हम तोड़ तोड़ के डिफाइन करें तो क्या बनेगा। फाइनाइट से मुराद क्या है? सर लिमिटेड, लिमिटेड स्पेसिफिक चीज। आपके ध्यान में कोई इनफाइनाइट चीज आती है? सर इनफाइनाइट चीज तब किसी किसी आपकी आवाज खासी कट रही है। चले, अच्छा मेरा सवाल आप लोगों से है, आसमान के अंदर पाए जाने वाले तारे फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं? पूरे यूनिवर्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। मेरा एक सवाल जनरल सारों से, जितने भी गैलेक्सी के अंदर हमारे पास पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी सितारे हैं वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं? सर हैं तो फाइनाइट, लेकिन हमारे लिए इनफाइनाइट है। हम लोग तो सारों को काउंट नहीं कर सकते। बेहतरीन जवाब, ठीक है तो फाइनाइट, खुदा की ज़ात ने पैदा किए, उसको पता है कि कितने सितारे पाए जाते हैं, लेकिन अब हम बैठ के कैलकुलेट करना शुरू कर दें हमारे लिए तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी जहन की लिमिटेशंस है। तो फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम से मुराद क्या है, कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक एक ऐसा वॉल्यूम जनरेट करें, ठीक है, जिसकी हमें पता हो कि जी सरफेसेस को और जो है ना बाउंड्रीज को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, और वो फाइनाइट है हमारे लिहाज से कि हम वो क्वांटिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। तो फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली आपके पास एक ऐसा वॉल्यूम पाया जाता है। अब अगर आप टॉप की दो फिगर्स देख रहे होंगे तो ये बेसिकली वही है, आपके कंट्रोल वॉल्यूम है, फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम। ये कौन सा है? इन फिक्स्ड इन स्पेस है, कि इसके अंदर से आपके पास जो है फ्लक्स गुजर रहा है, आर पार हो रहा है, इसकी बाउंड्री से गुजर के जाता है,
और जो कंट्रोल वॉल्यूम की जो सर्फेसेस होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल सर्फेस का नाम देते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास जो फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम अगर मूव कर रहा हो तो वो उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही होगी कि हम उसके इर्द गिर्द हमारे पास वेक्टर्स किस तरह के जनरेट हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे चीज आ जाती है इन्फिनिटिसिमल फ्लूइड एलिमेंट। इन्फिनिटिसिमल फ्लूइड एलिमेंट क्या चीज होती है, ये हमने कंटिन्यूम के फिनोमेना के अंदर भी बात की थी कि इन्फिनिटिसिमल वॉल्यूम एक चीज होती है, वो क्या होगा आपके पास? इन्फिनिटिसिमल वॉल्यूम आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको डिफरेंशियल वॉल्यूम, लेकिन उसके अंदर आपके पास इतनी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज की एवरेज स्टैटिस्टिकल वैल्यू ले सकें। ठीक है, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम क्या है, जिसके ऊपर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, यानी कि इससे मुराद क्या है कि जब मैं अगर इस तरह के डिफरेंशियल ढेर सारे वॉल्यूम लूंगा और उन वॉल्यूम्स की समीशन चाहूंगा तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, एप्लीकेशन होगी मेरे पास इंटीग्रल की एप्लीकेशन होगी, मैं उनको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके मैं उनको जोड़ सकता हूं, या फिर मैं उनको न्यूमेरिकली स्टिचअप कर सकता हूं और न्यूमेरिकली एड ऑन कर सकता हूं चीज़ों को, तो ऐसा इन्फिनिटिसिमल वॉल्यूम। तो हमारे पास इन्फिनिटिसिमल वॉल्यूम कौन सा हो गया, एक ऐसे वॉल्यूम जिसके हमें ज्योमेट्री भी अंदाज़ा लगा सकें, हमें ज्योमेट्री का भी पता हो। से आपके पास नीचे जो बी फिगर आ रही है वो एक क्यूब की फिगर है, हमें पता है क्यूब को आपने फुली डिफाइन करना हो तो क्यूब का वॉल्यूम आपके पास तीन डायमेंशन से प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है। अगर मेरे पास यही एक कोन हो तो कोन मेरे पास किस तरह डिफाइन हो सकती है, एंगल से, कि एंगल ऑफ कोन क्या है आपके पास, बेस का डायमीटर कितना और आपके पास हाइट ऑफ कोन कितनी है। तो आपके पास जो थ्री डायमेंशन चीज़ें हैं वो थ्री डायमेंशन से डिफाइन हो सकती हैं, उसको डिफाइन प्रॉपरली कर सकते हैं, और उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि वो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बात नहीं जा रही, हम रेरिफाइड गैस डायनेमिक्स के ऊपर नहीं जा रहे, हमारे पास एवरेज स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज उस वॉल्यूम की हम लेना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी के मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके फिजिकल मीनिंग पे हम जाएंगे, ये सारी की सारी जो डेरिवेशन है ये एंडरसन में पाई जाती है। अगर हमारे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है और वो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, ठीक है, उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पाई जाने वाली एक स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस डी से रिप्रेजेंट हो रही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सरफेस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वॉल्यूम जो वॉल्यूम कवर किया मूव करते हुए वो कितना होगा, वो बेसिकली क्या होगा, आप इस डिस्टेंस से अपने सरफेस को मल्टीप्लाई कर दें। डिस्टेंस हमारे पास क्या आ सकता है, वेलोसिटी और चेंज इन टाइम डेल्टा टी से अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, और इसी सरफेस के ऊपर हम सिंपल लिमिट अपनी अप्लाई कर दें तो ये सारी की सारी स्टिचअप करके ओवरऑल कंट्रोल वॉल्यूम की मुझे सिचुएशन डिफाइन कर सकती है। इसमें आप जाके देखिएगा थोड़ा सा कि हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे डेल्टा टी से कंट्रोल वॉल्यूम को, तो हमारे पास जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाती है वो बेसिकली आपके पास वी डॉट डी एस के बराबर आ जाती है। डाइवर्जेंस थ्योरम याद है किसी को, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या चीज़, यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा जी, जी क्या पढ़ा था तो अंदाजा कुछ याद सर, कोई सर डाइवर्जेंस ऑफ जी योर आउटलो बराबर हो जाए जब वन होती है, ठीक है, किसी भी वॉल्यूम के अंदर पाए जाने वाले वेक्टर क्या डाइवर्जेंस जो है उसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें तो हमारे पास उस सरफेस की सरफेसेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है डिफरेंट फ्लक्स। अब क्या हो सकता है, मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब की कितनी साइड है, क्यूब की 6 साइड है, तो मैं अगर हर साइड से निकलने वाले वेलोसिटी के फ्लक्स को ऐड ऑन करता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ उसकी सरफेस से और इसको सारे को ऐड ऑन करता हूँ, ये इक्वल होगा कि मैं सिंपल अपने वेलोसिटी वेक्टर जो है यहाँ पे सेंटर में जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डाइवर्जेंस लूँ और उसका ओवरऑल इंटीग्रल मालूम कर लूँ, ये उसके बराबर होता है। डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, स्पेशली फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम फाइनाइट सॉरी
फाइनाइट डिफरेंस मेथड और आपके पास फाइनाइट वॉल्यूम मेथड. आपके पास फाइनाइट वॉल्यूम मेथड के अंदर आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम की एप्लीकेशन बहुत आती है. हम इसको आगे चल के और भी देखेंगे. तो बहरहाल आप इस सरफेस का इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम की एप्लीकेशन करें. आपके पास ये वॉल्यूम जो है हमें पता है वैसे भी डिफरेंशियल वॉल्यूम है. इसको हम करते जाएं, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल गायब हो जाएगा क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है कि मैं जब मूव करता जा रहा हूँ किसी भी बॉडी के अंदर, कोई भी मेरे पास वॉल्यूम मूव करता जा रहा है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस की वजह से मेरी बॉडी की जो कंट्रोल सरफेस है वो चेंज हो सकती है. मे बी ये शेप चेंज करके इस तरीके की हो जाए. तो मेरे पास जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हासिल हुआ है उसको पर यूनिट वॉल्यूम से मैं नॉर्मलाइज कर दूँ, वो मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी के बराबर था पाया जा रहा. इसके हम आगे चल के थोड़ी सी एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे पास है. इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास स्लाइड्स आप आगे कर रहे हैं सर या अभी उसी स्लाइड पे हैं? यार मैं कंजर्वेशन ऑफ मास की स्लाइड पे स्टक कर रहा हूँ. सर अभी आई है सर, पहले वो पिछली स्लाइड ही शो हो रही थी. कंजर्वेशन ऑफ मास की मैंने एक इक्वेशन निकाल के सामने लिखी है. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन क्या है? सर मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एम जो है ना, मैं मास ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एमएस से मुराद है मास ऑफ द सिस्टम. सही सही सर. रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम याद है किसी को? थोड़ा सा जाके ना रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को रिवाइज करिएगा क्या होगा. इसके बाद मेरे पास नीचे जो इक्वेशन लिख के आ गई है ये मैंने रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकाली है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी बी सी एस क्या क्या चीज़ है? इक्वेशन को देखें ना, इक्वेशन के फिजिकल मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश किया है. मास फैजान, जिन जिन के नाम याद है मुझे उनकी तो मैं नाम लेता रहूंगा. मास और मोमेंटम कंजर्वेशन है, नहीं कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस. हाँ कंट्रोल सरफेस से क्या चीज कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल वॉल्यूम में किस क्या चीज कंट्रोल हो रही है? मास कंट्रोल वॉल्यूम से और ये मोमेंटम कंट्रोल सरफेस से. नहीं ये तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास है यार, सिर्फ कंटिन्यूटी क्वेश्चन. ये वाली चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करिए जरा गौर करें. मैं अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ वॉल्यूम से मेरे पास क्या चीज आती है? मास आ रहा है ना, और मैं ले रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं सिंपल जो है ना वो बना देता हूँ. मेरे पास एक यहाँ से फ्लक्स आ रहा है और यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, ठीक है. किस एरिया से, कौन से एरिया जो है ना फ्लक्स की इनपुट और आउटपुट में किरदार अदा कर रहे हैं? एक लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे इनफ्लक्स हो रहा है और एक मेरा राइट साइड वाला यहाँ से मेरा आउटफ्लक्स हो रहा है. जो टॉप और बॉटम के मैं इनको कह देता हूँ ये आइसोलेटेड सरफेस है, इनसे कोई भी चीज़ नहीं जा रही. जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए कि मेरे पास इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है या नहीं है, यानी कि मास एक्युमुलेशन है या नहीं है. मास एक्युमुलेशन से मुराद क्या है कि मैं जितना इनफ्लक्स आ रहा, मुझे बेसिकली क्या करना है, जितना मेरे पास इनफ्लक्स आ रहा है, ये राइट साइड वाली इक्वेशन जो है ये फ्लक्स के बैलेंस को शो करिए, जितना इनफ्लक्स आ रहा है इतना आउटफ्लक्स है या नहीं है. अगर है तो सिंपली क्या हुआ, जितना फ्लोरेट इनलेट आ रहा है उतना ही फ्लोरेट आउटलेट पे आ रहा है, आपको सिंपल बैलेंसिंग हो रही है इक्वेशन. लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास इनफ्लक्स ज़्यादा है, आपके पास पानी की टंकी है, ठीक है,
पानी की टंकी में खास मास वाटर का पड़ा हुआ, मोटर चली हुई है, पानी एंटर हो रहा है, नीचे से आपने पानी का नल भी खोला हुआ है। अगर मेरे पास जो पानी का नल नीचे खोला हुआ है उसमें फ्लो रेट कम जा रहा है और मोटर से जो इनफ्लो आ रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो बाकी मास कहाँ जाएगा? एनीवे तो उसके अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सनी कहाँ एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा सर? मेरे सामने शायद मैं सवाल थोड़ा सा एक्सप्लेन सिंपल yes, पानी की टंकी लें, ठीक है, ये पानी की टंकी बना दी। अब थोड़ा सा ना हम पावर पॉइंट के टूल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जो इनलेट पे है ना वो आ रहा है ग्रीन पानी, और जो मेरा आउटलेट है ना वो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सर, ठीक है। सर मैं आपसे कहता हूँ कि इनलेट पे जो फ्लो आ रहा है वो 10 kg/s का आ रहा है, ठीक है, और आउटलेट पे आपका जो फ्लो चलता है वह जा रहा है वो 8 kg/s का। ये राइट साइड वाली जो इक्वेशन है ये इस फ्लक्स के बैलेंस को शो कर रहा है कि 10 - 8 क्या आएगा आपके पास, 2 kg/s का डेफिसिट आ रहा है आपके पास। वो 2 kg/s कहाँ जा रहा होगा, वो इस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है। टैंकी के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। बिल्कुल टैंकी के अंदर एक पंप लगा, टैंकी के अंदर एक पंप। आपका जो जो कंट्रोल वॉल्यूम है आप उसको एक इसी तरीके का टैंक समझें कि जिसमें आपके एक तरफ से इन्फ्लक्स आ रहा है। ये वाली जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रोल सर्फेसिस में इन्फ्लक्स और आउटफ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सी एस से रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अगर ये बैलेंस ठीक है, 10 kg/s आ रहा है, 10 kg/s बाहर जा रहा है, अगर ये बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जितना मेरे पास मास पाया जाता था उसके अंदर वेरिएशन नहीं होगी, तो मेरे पास ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, स्टेडी स्टेट सिस्टम आ गया। लेकिन अब क्या होगा, अगर मेरे पास इनफ्लक्स जैसे ज़्यादा है और आउटफ्लक्स कम है तो क्या होगा, मेरे पास मास एक्युमुलेशन होना शुरू होगी, पॉजिटिव मास होगी। अगर मेरे पास रेसिप्रोकल के साथ है, मेरे पास आउटलेट पे 16 kg/s है और इनलेट पे 10 kg/s है, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, मेरे पास मास की डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा, मास जो है एकोमुलेट नहीं होगा, मास कम होना शुरू हो जाएगा, जितनी टंकी के अंदर चीज़ पाई जाती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। एट द एंड क्या होगा कि हम या तो टंकी खाली हो जाएगी या फिर हमें बैलेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट साइड कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो राइट साइड की ये कंट्रोल सर्फेसिस के जो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स है उसके बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाजमी नहीं कि हमारे पास एक कंट्रोल सर्फेसिस हो जहाँ से इनफ्लक्स हो और एक आउटफ्लक्स हो, आपकी टंकी में से ढेर सारे पाइप भी निकल सकते हैं। हमारे यहाँ से इन्फ्लक्स हो सकता है, यहाँ से आउटफ्लक्स भी हो सकता है, यहाँ से भी इन्फ्लक्स हो सकता है। तो सारी इन चीज़ों के बैलेंस का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास आपके पास हो रहा है, ठीक है सर। ये कंट्रोल सरफेस वाली जो इन्फ्लक्स की बात थी सर, वो काइंडली रिपीट कर दें। मैं कर देता हूँ, ये जो आपकी इक्वेशन है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंट्रोल सर्फेसिस में, अब चूंकि हमने एक टू डायमेंशनल बॉडी बनाई है तो इस वजह से ये जो ये एज है ये आपके पास एक कंट्रोल सर्फेस है, ये आपके पास एक कंट्रोल सर्फेस है। कंट्रोल वॉल्यूम का जो एरिया आउटर सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सर्फेस इंटरेक्ट है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक मैंने स्क्वेयर शेप बना दी है, स्क्वेयर शेप में मेरे पास चार कंट्रोल सर्फेसेस हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। अब से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ से कोई फ्लक्स आ रहा है और टॉप और जो मेरे पास राइट साइड वाली कंट्रोल सर्फेस है उसमें से फ्लक्स निकल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं कह दूँ m.1, ये m.2 और m.3। अगर मेरे पास कोई मास एक्युमुलेशन नहीं हो रही, स्टेडी स्टेट सिस्टम है, जितना इनफ्लक्स आ रहा है उतना आउटफ्लक्स जा रहा है, तो सिंपल क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, m1 = m2 + m3, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लूँ, मेरे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है ना, सिंपल सा कंट्रोल वॉल्यूम है,
मैंने क्या कहा है, मैं अगर इनको स्टिच अप करना चाहूँ, इनको समीशन लेना चाहूँ, तो मुझे क्या होता है, मुझे इंटीग्रल फॉर्म में जाना पड़ता है। ये ओवरऑल बॉडी के इंटीग्रल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कंट्रोल सर्फेसिस कैसे, मास, इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स कितने होंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अगर एम वन इज नॉट इक्वल टू एम टू प्लस एम थ्री, इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर मास डेफिसिट हो रहा है और मास आपके पास एकोमोडेट हो रहा है। मास एकोमोडेट हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज के साथ मास उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये एज अ, मैं क्या कह सकता हूँ, एज अ सिंक काम। एक्सक्यूज मी सर, सर मास डेफिसिट किधर होगा, मतलब किस जगह पे होगा? अगर मेरे पास, मैं कह देता हूँ मास डेफिसिट से मतलब क्या, इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर, अगर एम थ्री प्लस एम टू इज ग्रेटर देन एम वन, मैं कहूँ तो क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं कह देता हूँ एम टू प्लस एम थ्री इज ग्रेटर देन एम वन, अब क्या हो रहा है मेरे पास, इनफ्लक्स कम है, आउटफ्लक्स ज्यादा है, ठीक है। इसको तो कहीं से तो बैलेंस होना है ना, तो वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम होना शुरू हो जाएगा इस चीज से। अगर मैं इसका इनवर्स ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ एम वन इज ग्रेटर देन एम टू प्लस एम थ्री, अब क्या हो रहा है, इसको भी कहीं से बैलेंस हो रहा है, इसमें क्या होगा, मेरे पास इन्फ्लक्स ज्यादा आउटफ्लक्स कम है, तो मेरे पास इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू, कंट्रोल वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है इसके अंदर ज्यादा होगा, पॉजिटिव होना शुरू। सिंपल टंकी की एग्जाम्पल आप अपने जहन में रखें, मेरे पास पानी के नल खुले हुए और पानी की मोटर चली हुई है। अब जैसे अगर मोटर ना चल रही हो, मोटर नहीं चल रही, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास इनपुट पर तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन आपका आउटफ्लक्स तो जा रहा है ना, जैसे आप पानी खोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास कुछ मास एकोमुलेट हुआ है। अब वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गन मच गया, मैं इसको साफ कर दूँ। ये हमारे पास कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास की इंटीग्रल फॉर्म है। इसको अगर मैं देखना चाहूँ अपने डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर आप एज्यूम करें कि मेरे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, जिसकी एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई है और जेड डायरेक्शन में डेल्टा जेड है। जो सेंटर में, अब ये जो है रो यू किस चीज़ का, रो की आपके पास यूनिट्स क्या होते हैं, रो के यूनिट्स होते हैं केजी पर मीटर क्यूब, और यू के यूनिट्स, यू आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यूनिट आते हैं केजी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास शो कर रहा है मास फ्लो रेट पर यूनिट सरफेस को। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास लेफ्ट साइड से इनफ्लक्स आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स बाय टू, तो मैं इस कंट्रोल सरफेस से अगर इस इनफ्लक्स पर यूनिट एरिया को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ से इनफ्लक्स आ रहा है रो यू, चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, मैं कह देता हूँ माइनस डेल्टा रो यू बाय पार्शल रो यू बाय पार्शल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय टू, चूंकि डिस्टेंस आपके पास डेल्टा एक्स है, और सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ किस, मेरे पास कंट्रोल सरफेस से मल्टीप्लीकेशन कर दी। इसी तरीके से राइट साइड पे मैं, मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव की टर्म आ रहा है, यहाँ पे आउटफ्लक्स हो रहा है और यहाँ पे पार्शल रो यू व पार्शल एक्स जो है वो पॉजिटिव टर्म में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मुझे फ्लक्स बैलेंस करके दिखाएं, तो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास राइट साइड पे जो फ्लक्स है आउटफ्लक्स है माइनस जो लेफ्ट साइड पे जो इनफ्लक्स है, इसको मैं अगर माइनस बैलेंस करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी रो यू बाय पार्शल एक्स डेल्टा एक्स बाय टू। ये सिंपल आपके पास, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स टू में भी इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देखी होगी, इसलिए मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। तो आपके पास जो नेट मास आउटफ्लो इन एक्स डायरेक्शन है वो क्या होगा, पार्शल रो यू बाय पार्शल एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। इसी तरीके से अगर मैं इन वाई डायरेक्शन देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पार्शल रो
v by partial y, delta x, delta y, delta z, outflux in y direction, और net mark flux variation in z direction आपके पास w और z vector आपके पास आ जाएगा. इनको net mass flow rate को मैं ऐड करता दूँ आपके पास, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है. ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास डेरिवेटिव और डाइवर्जेंस ऑफ डेंसिटी एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं अगर कहूँ ओवरऑल मैं इसमें मास फ्लक्स की वेरिएशन देखना चाहता हूँ, ये मास फ्लक्स के बैलेंस को मैंने इस इक्वेशन से डील किया है, मैं इसमें देखना चाहता हूँ मेरे पास फ्लक्स का बैलेंस क्या होगा. तो फ्लक्स का बैलेंस मेरे पास सॉरी फ्लक्स का बैलेंस कह रहा हूँ, मास एकोमुलेशन वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, पार्शल रो बाय पार्शल टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड. दिस प्लस दिस हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा टोटल मास के. ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. इस चीज को अगर हम देखें तो ये चीज हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में हमने जो कंट्रोल मास के अंदर वेरिएशन आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चीज आपके पास जो कंट्रोल सर्फेसिस से इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स है उसके परफेक्ट बैलेंस को शो कर रहा है. इसको मैं अगर अपने फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ डाइवर्जेंस के डेल ऑपरेटर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल रो बाय पार्शल टी प्लस डेल डॉट रो इनटू वी. अब आपसे मैंने एक दफा कहा था कि हम कहते हैं कि अगर आपके पास टू डायमेंशनल स्टेडी स्टेट सिस्टम हो तो बेसिकली आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वो जीरो के बराबर होती है, वो इधर से निकलेगी. अगर मेरे पास स्टेडी स्टेट सिस्टम है तो ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म अचीव कर लेगी, स्टेडी स्टेट से मुराद क्या, सर नो वेरिएशन, डेल रो बाय डेल टी जीरो हो जाएगा. बिल्कुल आपके पास नो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास जीरो हो जाएगा. और अगर मैं कहूँ मेरे पास इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, मेरे पास ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, रो की वेरिएशन नहीं हो जाएगी, मैं इसको डेल ऑपरेटर से उठा के बाहर की तरफ लेके जा सकता हूँ. तो अगर फॉर स्टेडी फ्लो आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म ये तैयार कर लेगी, और फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपके पास सिंपल वेलोसिटी की डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वो इक्वल टू जीरो होता है. तो मैं आपसे एक के सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, मेरे सामने ये एक वेलोसिटी वेक्टर है. मैं अगर आपसे पूछूं मुझे इस इक्वेशन को देखते हुए बताएं ये वेलोसिटी किस तरह की है, क्या है ये, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है, ये स्टेडी स्टेट है, अनस्टेडी स्टेट है, ये कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, ये रोटेशनल फ्लो है, ये रोटेशनल फ्लो है, आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं. सबसे पहले टू डायमेंशन है सर. हाँ सर चलें स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा स्टेडी स्टेट है अनस्टेडी स्टेट है, स्टेडी है सर, स्टेडी स्टेट है बिल्कुल, आपके पास वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आ रहा. सेकंड चीज मेरे पास ये फ्लो टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल है या वन डायमेंशनल है, सर टू डायमेंशनल है, एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है. तीसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा ये फ्लो जो है इनकंप्रेसिबल है कंप्रेसिबल है, क्या होगा, क्या करना होगा, डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो का चेक करना होगा. ठीक है डेल डॉट वी से मुराद क्या है, मेरे पास पार्शियल यू, अब ये मेरे पास यू वेक्टर है, यू है और मेरे पास ये वी है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इस सूरत में क्या है, आपको मैं से पूछूंगा
प्लस 0.8 नहीं है? यस सर। ठीक है, पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या है आपके पास? सर वो हो जाएगा माइनस 0.8। माइनस 0.8 हो गया। दोनों को आप ऐड करें क्या आंसर आएगा? जीरो आंसर आएगा। यस सर। तो ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। सिंपल, एक इक्वेशन को इस्तेमाल किया आपने, आपने उसको देखा, उसको एनालाइज किया, आपने कहा ये मेरे पास स्टेडी स्टेट सिस्टम है, टू डायमेंशनल है और इनकम्प्रेसिबल है। इसका मैं कर्ल अगर देखूंगा आगे, मैं कर्ल की एग्जाम्पल भी एक दो आपसे करवाऊंगा, हम करेंगे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमें पता चलेगा कि हम इसे बता सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर पोजिशन ये फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। ठीक है सर, ये स्टेडी स्टेट है सर, ये हमने किस तरह देखते साथ ही एनालाइज कर लिया था, ये जो वेलोसिटी गिवन हमें इस तरह थी जी, आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मेरे पास ये लिखा होता 0.5 प्लस से 0.8 बाय टी डेल्टा टी, टाइम की वेरिएशन हमारे पास आना शुरू हो जाती। ठीक है, ठीक ठीक सही होगा सर। ठीक है, अगर आपके पास टाइम स्केल आ रहा है इसका मतलब है ये आपके पास स्टेडी स्टेट सिस्टम नहीं है। हम इसको अजम्पशन ले सकते हैं कि पार्शियल रो बाय पार्शियल टी हमारे पास जीरो है या नहीं, यानी कि इधर मास एक्युमुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। मैं आप लोगों से अगर कहूँ, ये नीचे जो है ये मैंने सेंजल से ड्रेसिंग देखा था, इस मैंने आप लोगों को एक कमांड बताई थी मैटलैब की वेलोसिटी वेक्टर प्लॉट करने की। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यही 5x5 के इसमें मैट्रिक्स में ये वेलोसिटी वेक्टर्स प्लॉट करें, कर सकेंगे अगर मैं करना चाहूँ तो? क्या मैं एल्गोरिथम क्या होगा लिखने का, छोटा सा कमांड है बस, मैंने आपको कमांड बताई थी ना, याद है किसी को? एल्गोरिथम याद नहीं है कोई बार, एल्गोरिथम तो मैंने बताया नहीं था ना, ये तो कुछ भी नहीं है, तो दो आपके पास लाइनें हैं। बेसिकली आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन करना होगा, मैट्रिक्स जो कि आपके पास 5x5 का होगा, जो आपके पास 0 से लेकर 5 तक कोऑर्डिनेट्स को वेरी कर रहा होगा विद इंक्रीमेंट ऑफ 1। ठीक है, उसके लिहाज से आपने वेलोसिटी हर कोऑर्डिनेट के ऊपर 0 0 1 1, फिर मैं आपसे कहता हूँ कोऑर्डिनेट 1 1 के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, x1 पुट करूं y1 पुट करूं, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा, 0.5 प्लस 0.8 1.3i प्लस 1.5 माइनस 0.8 0.7j। इसका हमें पता है मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं यूजिंग u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट। हमारे पास मेरे पास x वेक्टर पता है, मुझे y वेक्टर पता है, मैं क्विवर की कमांड इस्तेमाल करके ना इसके वेलोसिटी वेक्टर प्लॉट कर सकता हूं। और ये मैं आपको एज ए होम असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इस ये वाली वेलोसिटी फील्ड लेनी है, इसको मैटलैब पे प्लॉट करके मुझे जो है इसका उसका कोड, 5 से 6 लाइनों का कोड है वो कोड, और उसके साथ में 5x5 के उसमें विंडोज के अंदर 5x5 के ग्रिड के अंदर आपने इसको मुझे प्लॉट करके भेजना। ठीक है, वो मुश्किल तो नहीं होगा ज़्यादा? स्टैक ओवर कमांड का नाम फिर बताया आपने, क्या बताया था सर? कोई बात, Q-U-I-V-E-R मेरा काम है, फ्लेक्स करेंगे आपको। सही, स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको हर किस्म की हेल्प मिलेगी। मैटलैब में हेल्प लिख के आगे कमांड लिख दें उधर भी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मैं स्टैक ओवरफ्लो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वहाँ पे आपको हर इस तरह की चीज़ों की हेल्प ज़्यादा मिल जाएगी। तो चीज़ें निकले, अपने सॉफ्ट स्किल्स को ना डेवलप करने की कोशिश करें, हार्ड कोर सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होगा, आपको आगे चल के ना अपने ये इधर उधर आगे पीछे चीज़ें इस्तेमाल करना आनी चाहिए। एक और सवाल आप लोगों से, ये आपके ये हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड जे प्लस डब्ल्यू के। अब डब्ल्यू जो है ना मेरे पास यहाँ पे एक अननोन है, ये मेरे पास जेड वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, कंपोनेंट जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी के डेल डॉट वी आपके पास इज इक्वल टू जीरो है। अगर आपको ये पास इस तरह का प्रॉब्लम, आप इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते?
सिंपल यस सर निकाल पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जीरो आपके पास हो जाएगा और ये आप अप्लाई करें इज इक्वल टू जीरो है आपके पास इस चीज को अप्लाई करें इंटीग्रल लें जो आप इस चीज वाली आती है और आपके पास डब्ल्यू वेक्टर आ जाएगा ठीक है ये नोट कर लें आप इक्वेशन इसमें डब्ल्यू वेक्टर आप कैलकुलेट करके 12:30 तक अपलोड करें ठीक है ये आपकी असाइनमेंट सॉरी अटेंडेंस के तौर पर मैं काउंट कर लूंगा 12:30 तक आप लोगों ठीक है ये अपलोड इधर करनी मैं अपलोड के लिए ना एक टीम्स के अंदर वो खोल दूंगा असाइनमेंट खोल दूंगा ठीक है ये क्वेश्चन सारे नोट कर ले जब नोट कर ले तो मुझे बता दीजिएगा सर ये क्विज है ये क्या है यार ये आपकी जो है ना अटेंडेंस और अगर एंड में हमें क्विज कम पड़ गए तो मैं क्विज भी इस्तेमाल कर लूंगा एक दूसरे से ना एक दूसरे से ये ना कि बहुत पूछना है चीज सिंपल सी है बहुत सिंपल सी तो बैठ के जो है ना खुद करने की कोशिश करिएगा सर मेरी अभी 12:30 बजे एक लैब है तैयारी करनी है कुछ करना है क्या करना है नहीं सर बस लैब वो अटेंड करनी है चलो यार ठीक है मैं खोल रहा हूँ असाइनमेंट की आज के दिन में सारे जमा कराओ और ये आपके अटेंडेंस कैलकुलेट हो जाएगी ठीक है भाई किसी को और इशू कोई अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर वो अभी यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ एफआईपी डे था तो सफर में ही हूँ सर अभी तो दिन सारा सफर में गुजर जाएगा वापसी ठीक है मैं तो ना आज के दिन की प्रोविजन रख रहा हूँ 11:00 बजे कम से कम मेरा ये है कि आप लोग एक दफ़ा हाथ से सॉल्व करके इसको ना गुजरें चीज़ को ऑनलाइन में ये हो रहा है कि हम हवाई टीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ठीक है लेकिन लिखा हुआ अपने हाथ को ये ना छोटे भाई से लिखवा दें इक्वेशन नोट कर लें आप लोग और फिर इसके बाद सेशन कंक्लूड करते हैं नोट कर लिए ना इक्वेशन यस सर प्लीज थैंक यू वेरी मच फिर इंशाल्लाह अगले मंडे को आप लोगों से मुलाकात होती कोई तो सवाल वगैरह हुआ करें बेशक टीम्स पे कर लिया करें फिर नेक्स्ट टाइम सेशन में कर लेंगे होपफुली आप लोगों के लाइव सेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं तो आप लोगों से फेस टू फेस भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह चलिए टेक केयर ओके सर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़